क्या शिवलिंग लिंग और योनि है? शिवलिंग को बहुत से लोग शिव और पार्वती के योनांग के रूप में लेते हैं, जो कि अनुचित है। दरअसल लिंग का अर्थ संस्कृत में चिन्ह प्रतीक होता है। लिंग शब्द से अभिप्राय चिन्ह, निशानी, गुण, व्यवहार या प्रतीक है, तो शिवलिंग का अर्थ हुआ शिव का प्रतीक। इसी तरह शिव का अर्थ है परम कल्याणकारी शुभ और लिंग का अर्थ है सृजन ज्योति। जिस तरह पुरुष लिंग का अर्थ हुआ पुरुष का प्रतीक, स्त्रीलिंग का अर्थ हुआ स्त्री का प्रतीक और नपुंसक लिंग का अर्थ हुआ नपुंसक का प्रतीक, उसी प्रकार शिव लिंग का अर्थ हुआ शिव का प्रतीक। जिस तरह श्री विष्णु का प्रतीक शालिग्राम है, उसी तरह शिव का प्रतीक शिवलिंग। वायु पुराण के अनुसार प्रलय काल में समस्त सृष्टि जिसमें लीन हो जाती है और पुनः सृष्टि काल में सृष्टि जिससे प्रकट होती है, उसे लिंग कहते हैं। स्कंद पुराण में कहा गया है कि आकाश स्वयं लिंग है, धरती उसका पीठ या आधार है और सब अनंत शून्य से पैदा हो उसी में लय होने के कारण उसे लिंग कहा गया है। घूमती धरती तथा अनंत ब्रह्मांड का अक्ष या धुरी ही लिंग है। पुराणों में शिवलिंग को कई अन्य नामों से भी संबोधित किया गया है, जैसे प्रकाश स्तंभ लिंग, अग्नि स्तंभ लिंग, ऊर्जा स्तंभ लिंग, ब्रह्मांडी स्तंभ लिंग आदि। शिवलिंग का आकार प्रकार ब्रह्मांड में घूम रही हमारी आकाश गंगा की तरह है। यह ब्रह्मांड में घूम रहे पिंडों का प्रतीक भी है। अतः शिवलिंग का अनुचित अर्थ निकालना गलत है।